हमने लिगेंड की फाइल को एसडीएफ फॉर्मेट में 2D स्ट्रक्चर उसका जो था उसको हमने सेव कर लिया था पबकैम से। अब हमने ओपन किया मार्विन स्केच। आप जैसे ही मार्विन स्केच टूल ओपन करेंगे इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एक छोटा सा फॉर्म होता है आपने उसको फिल करना होता है। गूगल पे आप जाएंगे सिंपल मार्विन स्केच लिखेंगे ये टूल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने इसे वहां से डाउनलोड कर लेना है। एंड देन जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपने इसे ओपन किया फाइल पे गए और हमने जो लाइगेंड की फाइल हमने डाउनलोड की थी पबकैम से वो ये रही। हमने इस फाइल को यहाँ से ओपन किया है ये आपके सामने आ गया है लाइगेंड। ये लोवा स्टैटिन का स्ट्रक्चर है। हमने स्ट्रक्चर पे क्लिक किया। पहले हम इसको क्लीन करेंगे 2D देखेंगे इसका क्लीनिंग हो गई है चेंज हुआ है। थोड़े से कुछ चेंजेस आपको दिखाई दिए गए होंगे। अब मैं मजीद जब इसे 3D चेंज करूंगी आपको फिर इसमें चेंजेस शो होंगे। स्ट्रक्चर पे क्लिक किया इस दफा मैंने क्लीन किया इसे इन 3D एंड ये फाइल आपकी रेडी हो जाएगी। ऑलमोस्ट फाइल आपकी रेडी है मगर हम इसे सेव करेंगे किसमें SDF फॉर्मेट में। ये फाइल हमने डाउनलोड की थी फ्रॉम पबकेम। अब हम इसे PDF में कन्वर्ट करेंगे ठीक है। एंड देन PDF से PDBQT फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे फाइल को सेव करेंगे। फाइल पे जाएंगे सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आपको यहाँ शो हो रहे होंगे। एक मिनट मैं जरा स्क्रीन शो कर दूं। आई डोंट नो आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे आप फाइल्स ऑफ टाइप्स लिखा है यहाँ पे हम जाएंगे स्क्रॉल डाउन से करेंगे बहुत सारे फॉर्मेट शो हो रहे होंगे। तो मैं प्रोटीन डेटा बैंक फॉर्मेट में PDB फॉर्मेट में इसे सेव कर दूंगी। उसके बाद हमने उसी फोल्डर में इसे सेव कर देना है जिस फोल्डर में हमारी दूसरी फाइल्स रखी हुई हैं और इसको नाम दे देना है जो इसका स्पेसिफिक नेम है लोवास्टैटिन ठीक है। अब इसे हमने सेव कर दिया है।